गुड मॉर्निंग बाहुबली पंकज बराला, गुड मॉर्निंग। आओ लाइक, आओ सभी जुड़ो। रवि घटाना, गुड मॉर्निंग बेटा। एम आर देव, गुड मॉर्निंग। नवीन, गुड मॉर्निंग। अभी शर्मा, गुड मॉर्निंग। सुमित स्वामी, गुड मॉर्निंग। इंटरटेनमेंट, गुड मॉर्निंग। जतिन जांगेन, गुड मॉर्निंग। अंकित, मुकेश, सत्यनारायण शर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। राजू घटाना, गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज का बेटा जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पर अपन को ध्यान रखना होगा। चैप्टर मीन्स टॉपिक से है, मेरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले अपन जो है एडिशन कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन करना है अपन को टू वेक्टर्स का। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो सदिशों को आज अपन को घटाना है, कल वाली जो प्रोसेस चल रही थी अपनी उसमें एडिशन था। तो देखिए, एक वेक्टर ए है मेरे पास और दूसरा वेक्टर ये है बी। ठीक, अब अपन से कोई कह रहा है कि ए में से बी को अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को घटाना है। ठीक है ना, ए में से बी को घटाना है। विशाल, योगेश, गुड मॉर्निंग बेटा। शिवम सैनी, मोहित, कुलदीप, विशाल नायक, गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग। अब बोर्ड पर बेटा देखते जाएं, इरफान गुड मॉर्निंग, इरफान गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए में से अपन को बी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब यह है कि ए में से बी को अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली अपने फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अपनी क्वांटिटी चेंज में आती हैं। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जब कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है। तो जब भी अपन को लीनियर मोमेंटम में चेंज है, जब भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चेंज का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन से। तो देखो, ए में से बी को घटाना है, तो ये जो घटाने की प्रोसेस, ये मान लीजिए कुछ नहीं है, ये एडिशन की ही प्रोसेस है, जोड़ने की ही एक विशेष प्रक्रिया है। देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या ए माइनस बी में मैं लिख रहा हूं, मुझे जोड़ना है, प्लस करना है किसको, माइनस बी को। तो ए में माइनस बी को प्लस करना है। उस दिन अपन ए में बी को प्लस कर रहे थे, तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट करो या ए में माइनस बी को प्लस कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आप जोड़ने की प्रक्रिया करो। ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये मैंने लिया और ट्रांसलेट किया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये वेक्टर बी है मेरे पास, तो इसको मैंने इसके टेल से टेल को मिला दिया, तो ये मेरा एडिशन की प्रोसेस हो गई। अब मैं इसका पैरेललोग्राम बना दूं तो एडिशन आ जाएगा। आपको पता है ये इसका एडिशन आ जाएगा, यदि इसको पैरेललोग्राम बना दिया जाता है, ये इसका एडिशन होगा। लेकिन अपन को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे ए में ऐड करना है माइनस बी को, प्लस बी को ऐड नहीं करना था, माइनस बी को। तो बी का माइनस बी वेक्टर मैं फिर किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ, नेगेटिव वेक्टर। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड तो वही रखूँ और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका नेगेटिव वेक्टर। तो देखो, मैं इसका नेगेटिव वेक्टर प्राप्त कर रहा हूँ बी का, तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, बट इसका मैग्नीट्यूड वही है। देखो, जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका ये है, केवल इसकी क्या हुई, डायरेक्शन चेंज। बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपसे कोई बनवाए तो माइनस बी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा होगा, सेम, और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, डिफरेंट होती है। अब इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है, ये भी प्लस है क्योंकि ए में माइनस बी को प्लस किया है, तो रिजल्टेंट अपन उसी प्रकार से पैरेललोग्राम मेथड से ही इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है, वो क्या प्रदर्शित करेगा, इसके परिणामी को डिनोट करेगा। तो आर इज इक्वल टू आएगा, या इसी पर लिख सकते हो आप इसको, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी।
ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो गया और ये जो एंगल आया वो एंगल आया अपना 180 माइनस थीटा। अब ये इसका रिजल्टेंट आपसे प्लस कोई पूछता तो प्लस तो देखो ये होता है इसका आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी अपन को निकालना है तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जैसे मैंने प्लस किया है ए में से मैंने क्या कर दिया इसको प्लस माइनस बी आया तो इसलिए ये आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। तो मैंने यहाँ पर जो किया ये प्रोसेस आप देख रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन की है नीचे वाली प्रोसेस और ऊपर वाली प्रोसेस देखेंगे तो वो किसकी है एडिशन की। नीचे मैंने घटाया है और ऊपर वाला मैंने एडिशन किया है इसका प्लस किया है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दीपक गुड मॉर्निंग बेटा, सभी ध्यान से इसको अच्छी तरीके से देखें, सब्ट्रैक्शन पर बहुत ध्यान दें, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कोई कहता है कि यदि आपको इसी में देखेंगे दोबारा वो आपसे कह रहा है कि बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो। अभी तो मैंने क्या किया है ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है, अब मुझे निकालना है बी माइनस ए। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बी वैक्टर लिख लो और इसमें ऐड कर दो किसको माइनस ए वेक्टर को। यदि इसको माइनस ए वेक्टर को इसमें प्लस कर दें बी में जोड़ दें किसको माइनस ए वेक्टर को तो क्या आ जाएगा अपना बी माइनस ए। तो अब अपन को क्या करना है, जैसा वेक्टर है अपना वैसा ही रखना है और ए का नेगेटिव वेक्टर अपन को निकालना है। तो ए का नेगेटिव वेक्टर देखो ये आ जाएगा। अब इसका अपन रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे अपन, ये इसका पैरेललोग्राम हो गया और ये इसका देखो रिजल्टेंट हो गया। यदि इसको लिखोगे तो दिस इज द बी माइनस ए वेक्टर, किसके इक्वल हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ए माइनस बी देखो और बी माइनस ए देखो। अब देखो ए माइनस बी दोनों बातें देखनी है, प्लस वाली भी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये देखो ए में बी को ऐड किया तो ए प्लस बी और ये बी है और ये इसके पैरेलल वेक्टर क्या है ए। तो ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बी प्लस ए। तो देखिए इसके न तो मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है परिणामी के पर और न ही इसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी देखेंगे तो ये आ रहा है और बी माइनस डी देखेंगे तो ये आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, कल अपन एडिशन में क्या लिख रहे थे, फॉर एडिशन एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, एडिशन में अपन लिख रहे थे ए प्लस बी इज इक्वल टू लिख रहे थे बी प्लस ए। अपन कह रहे थे कि इट इज ए कॉम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। और फॉर सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे घटाने की प्रक्रिया में तो आप ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते हो, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, बट जो है एडिशन है उसमें क्या होता है क्रम विनिमेय नियम का पालन होता है, क्रम चेंज कर दें तो एडिशन पर जो रिजल्टेंट आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहां देख सकते हो इस ये जो रिजल्टेंट है वो ए में बी को ऐड किया है ए प्लस बी और बी में ए को ऐड कर लो यही आता है। यहां अपन देखेंगे ए में से बी को अपन ने घटाया है तो देखो ये मैग्नीट्यूड आया, इसका रिजल्टेंट आया है ये इसका और इसकी डायरेक्शन ये है और इसमें बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया है तो इसका परिणामी जो आ रहा है जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बी माइनस ए, दोनों की आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है, बताते जाएं साथ में लिखते भी चलें सर, ठीक है ना, वेरी गुड। तो a माइनस बी में से b माइनस ए सब्ट्रैक्ट किया गया तो सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो b की डायरेक्शन चेंज करो और ये भी एडिशन है इसलिए पैरेललोग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हो, समांतर चतुर्भुज नियम से भी कर सकते हो और चाहो तो इसको त्रिभुज नियम की सहायता से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए और a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बी प्लस ए के। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं, मुझे पता है कि आपके क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए आगे जब अपन रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे, एडिशन का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेट कर रहे थे तो एडिशन में देखो अपन लिख रहे थे आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे
रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन लिख रहे थे बेटा टेन अल्फा, ये वाली जो डायरेक्शन थी वो उसको अपन कह रहे थे अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बात एडिशन में मैंने लिखवाया था, एमटीआर है, प्रत्येक बच्चे को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यदि अपन सब्ट्रैक्शन करें तो बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो देखो इसका मैग्नीट्यूड। अब यहां ये विषय ध्यान रखनी है, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये एडिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप जिस बच्चे को भी फिजिक्स में अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, सारी नॉलेज रखनी है, तो सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा किसके होता है, माइनस कॉस थीटा के, तो दिस इज रिटन एज माइनस टू ए बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे टेन, मैं यहां बीटा लिख देता हूं क्योंकि ये बेटा मैंने अल्फा लिख दिया है, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन रिजल्टेंट की है, मैं इसको बीटा लिख रहा हूं, और ये एंगल अपना 180 माइनस थीटा था। तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा ए, और अभी इसको लिखा था माइनस, तो ये माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। मैग्नीट्यूड, जब भी अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड मोस्टली क्या है, ग्राफिकल निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, चाहे तो निकाल सकते हैं क्योंकि अपन को पहले पैमाना सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड है तो अपन मानेंगे, माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचेंगे ऐसे ही, इसको फिर रिजल्टेंट को इसको मेजर करेंगे, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषणात्मक विधि से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए मेरे विचार से, और फटाफट कमेंट करते रहें। एसके शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, क्रिस गुड मॉर्निंग, रवि गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, और सभी जुड़िए, लाइक भी करते रहिए साथ साथ, और समझते चलिए, सबसे अच्छी बात है लाइक करिए मत करिए, आपकी समझ में आना चाहिए, आपको समझना है कि सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाना है। अब देखिए ध्यान रखेंगे, अब यहां पर वही कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0 180 वो अपन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन इसमें सब्ट्रैक्शन की है वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए और बी का बोट सेम है, दोनों का मापांक समान है, दोनों का परिमाण समान है, तो दिस इज 2a साइन थीटा वाई टू, याद रखना बेटा। R इज इक्वल टू उसमें था 2a cos थीटा वाई टू, तो कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें 2a साइन थीटा वाई टू आएगा। अब इसमें भी टेबल को आपको ध्यान रखना है, वैसे प्लस वाली को ही आप ज़्यादा ध्यान रखो, इस सब्ट्रैक्शन वाली को तो आप केवल वैल्यू पुट करके फिर इसको निकालो, 2a साइन थीटा वाई टू, तो 0 डिग्री लिया, साइन 0 का मान 0 होता है, तो देखिए ये आएगा 0, कल अपन देख रहे थे उसमें तो ये आ रहा था 2a, अब मैंने लिया इसमें 60 डिग्री, तो R इज इक्वल टू ध्यान रखना है a, फिर मैंने लिया 90, R इज इक्वल टू रूट टू ए, फिर लिया मैंने 90 के बाद 120 लिया था, R इज इक्वल टू रूट 3a, और 180 डिग्री R इज इक्वल टू 2a। तो आप देखेंगे कल वाले का ये रिपीट हो रहा है, उसका उल्टा हो गया, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी सब्ट्रैक्शन की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और एडिशन में 120 होता है और सब्ट्रैक्शन में कितना होता है, 60 डिग्री होता है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सभी बेटा कमेंट भी करते चलेंगे साथ साथ, क्लियर है तो क्लियर को साथ साथ करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सबको बताइएगा जो भी आपके साथी हैं, ये रिवीजन है, अभी एग्जाम का कोई वो नहीं है, जब होगा तब जो है आपको सूचित करेंगे, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये मैंने सब्ट्रैक्शन लिया, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, अब इसी को क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, क्या लिख दिया,
इफ ए माइनस बी का मोड है वो ए के इक्वल है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, तो आपको पता होगा या कि ये सब्ट्रैक्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन मैं ले रहा हूं 90 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देख के बताओ सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन में फटाक से फटाफट बेटा, इस किसी स्पीड से करना है, स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की गति से आंसर देना है, जल्दी करें फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ वेरी गुड, शिवम सैनी ए, ए इंटरटेनमेंट, शाबाश, दो बच्चों का ये भी आया है, और करिए, वेरी गुड इंटरटेनमेंट, शिवम सैनी, अमन यादव, दिनेश, वेरी गुड बेटा, ए एंड सी नहीं लिखे हैं, सुमित स्वामी 120 देखें ना, ये 120 आर इज इक्वल टू रूट थ्री है, ये देखें ये सब्ट्रैक्शन है बेटा, मोड ऑफ ए माइनस बी, और यदि ए प्लस बी होता ये तो 120 होता, तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि माइनस में अपन को चलना है या प्लस में चलना है, तो ये आपको लिखना था। अच्छा अच्छा वेरी गुड, ये सेम लिख गए हैं, कोई बात नहीं है, तो 120 और इसको अपन 60 है, और इसको अपन लिख देते हैं 180, चलो ठीक है ना, ए और सी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, तो चलिए 60 है, 120 है, 180 है और 90, तो सी इज करेक्ट, क्लियर। अब देखो ये तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन अपनी समझ में आ गया, लेकिन ये अपन को वेक्टर में, अपन को मैथमेटिक्स में काम में नहीं लेना, अपन को अपनी फिजिक्स में काम में लेना है, तो फिजिक्स में अपन को किस प्रकार से काम में लेना है ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, तो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं और उससे आप जो है आंसर देंगे, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप उसका आंसर देंगे, एक ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है, ध्यान देना है, ए ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन तथा वह समान वेग से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन का मान होगा, इंग्लिश मीडियम वाले हो, ए ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अलोंग या टुवार्ड्स लिख लेना ईस्ट डायरेक्शन runs in north direction with the same speed लिख लो, velocity, find the change in velocity of the track, ऑप्शन ए 20√2 नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी 20√2 नॉर्थ वेस्ट,
सी 20√2 साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ है और डी है 20√2 साउथ वेस्ट। नाउ ये नॉर्थ वेस्ट है बेटा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 20√2 नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। आने दीजिए आंसर, डायरेक्शन के साथ आएंगे। एस के शर्मा डायरेक्शन भी है बेटा, डायरेक्शन के साथ जल्दी आंसर दें फटाक सी ना। एक ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है और उसके बाद वह मुड़ जाता है तथा वह समान वेग से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो आपको ज्ञात करना है उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ। ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, डायरेक्शन के साथ बताएंगे। ऑप्शन में ए ए ए ए नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, सौरभ बी बता रहा है, और बताइएगा योगेश कुमार ए बता रहे हैं, और बताइए बेटा और आप ऑप्शन आने दीजिए। मोस्टली ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये ऑप्शन गलत है जो आप सोच रहे हो। अब आपको बोर्ड पर देखना है, आप दूसरा ऑप्शन नहीं देना, एक देने के बाद फिर दूसरा नहीं देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाता है। अब इसको आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये सब्ट्रैक्शन है, तो पहले तो मैंने उस दिन आपको बताई थी 8 डायरेक्शन, वो आपको प्रत्येक बच्चे को पता होनी चाहिए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्लियर है। और 4 डायरेक्शन और थी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट, इसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। अब सबसे पहले प्रश्न ये है कि आपको निकालना क्या है, तो उसने पूछा है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। अब देखो पहले वो किधर गया, पहले गया पूर्व दिशा की ओर। V1 का मान है कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और फिर वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न कर जाता है। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। अब मैं ये पूछता, बताओ उसका परिणामी वेग कितना होगा। यदि आपसे मैं ये क्वेश्चन कर देता परिणामी वेग क्या होगा, दोनों को समझना है, तो ये इसका परिणामी वेग होता और आप समझ रहे हो कि ये तो जोड़ने की प्रोसेस हो रही है, तो उसी स्थिति में ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट आती और आंसर मैग्नीट्यूड निकालते इसका तो 20√2 मीटर पर सेकंड आता। कब, जब मैं आपसे पूछता फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी, तब आंसर ये होता। मैं एडिशन नहीं पूछा है मैंने आपसे पूछा है सब्ट्रैक्शन, मैंने आपसे पूछा है सब्ट्रैक्शन। आपको V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना था, आपको V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किस प्रकार से करते, ये V2 है तो नॉर्थ में आप V2 ले लो, V2 है और V2 में क्या ऐड करना है, -V1, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी। V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना है, V2 में से घटाना है किसको, V1 को, तो V1 को घटाना है। इसका मतलब क्या लिखना है आपको, V2 प्लस माइनस V1, ये लिखना है। तो V2 तो है और V1 को ही आपको डायरेक्शन चेंज करनी थी, तो ये हो जाता -V1। एक वेक्टर V2 ये हो गया, V1 ये हो गया, इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, और इस रिजल्टेंट को अपन लिखेंगे डेल्टा V = V2 - V1। अब इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, क्या है डायरेक्शन इसकी, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और कितना आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, 2V का मान कितना 20 साइन कितना था 90/2, तो ये हो जाता 2 × 20 × 10 sin 45 1/√2, तो 20√2
मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। बी ऑप्शन सही होता, बी ऑप्शन। मोस्टली ने एक ये अमित है रेप्सवाल, इसका आंसर सही आ रहा है, और एक एस के शर्मा ने भी ठीक दिया है, और ये सी और ए दिया है। तो आप ये बताइए आपकी समझ में आ गया नहीं आ गया, पहले तो ये क्लियर करिए। दोबारा से समझेंगे, B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो B1 ये था, B2 ये था, तो B2 तो मैंने यहाँ नॉर्थ में ले लिया जिससे डायरेक्शन देखने में दिक्कत नहीं हो। कोई स्टूडेंट कहे कि मैं यहीं से करना चाहूँगा सर तो कैसे करूँगा, तो देखो इधर ध्यान से, हर प्रकार से आना चाहिए आपको। ये बी वन हो गया और ये हो गया बी टू, आपको बी टू में से बी वन सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपको लेना था ये माइनस, कितना आ जाता अपना बी वन। रिजल्टेंट फाइंड करते तो यही आता, इसकी डायरेक्शन आप देखोगे यही डायरेक्शन आती सेम टू सेम, कौन सी आर थी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो क्लियर है, बताइए दूसरा मेथड और बता देता हूं मैं, अब ये बताइए क्लियर है तो फटाफट बताएं। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, तो समझ में डायरेक्शन के साथ देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। मोस्टली बच्चे इस पर टिक लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट, वो क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस नहीं करना बेटा, इसमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। दूसरी बात, दूसरा मेथड देखिए, वी वन इज इक्वल टू, पहले आप इसको एकांक सदिश में लिख लो, पहले किधर गया ये पूर्व की ओर, तो 20 आई कैप ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वेस्ट डायरेक्शन का होता है माइनस आई कैप, नॉर्थ का ले लेंगे प्लस जे और साउथ में ले लेंगे माइनस जे। ठीक है, पहले इसको लिख लें फिर वी टू लिखें, कितना है वी टू नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 20 जे कैप। फिर देखो मुझे निकालना क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। यदि आप पर ग्राफिकल नहीं आता है तो उसको यूनिट वेक्टर में ले लें। अब देखो ये कितना आ गया, 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप। अब ये देखो जे माइनस आई किस में मिलेगा, प्लस में तो जे हो गया, माइनस में आई हो गया, ये इस डायरेक्शन में है नॉर्थ वेस्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ये अपन को किस में मिलेगा, बीचों बीच में मिलेगा 45 पर। तो यहां से आप डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, नॉर्थ, देखिए इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। आपसे कोई पूछे प्लस का जे और माइनस आई किस में आएगा इसमें, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो कोपीसियंट ऑफ आई स्क्वेयर प्लस कोपीसियंट ऑफ जे स्क्वेयर। ध्यान रखना है इसमें कभी भी अंदर माइनस नहीं आएगा, सारा प्लस हो जाना है, चाहो तो प्लस ही रख के कर सकते हो, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है तो बताएं, क्लियर नहीं है तो बताएं, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन बताया मैंने, सब्ट्रैक्शन में ही कई क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला ही अपना फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को उसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं और आप समझेंगे। ये देखिए कोई दीवार है, वॉल है, ये वॉल है ये, और इस पर एक जो है कोई एम द्रव्यमान की बॉल वी वेलोसिटी से टकराती है, कोलाइड करती है, और रिबाउंड भी इसी डायरेक्शन में होती है, वापस उसी वेलोसिटी से ये वापस हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बताइए इसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइंड दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन है, एक गेंद दीवार से लंबवत वी वेग से टकराती है तथा टकराने के बाद उसी वेग से वापस लौट जाती है,
वापस लौट जाती है तो संवेग में परिवर्तन होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो, ऑप्शन बी टू वी, सी रूट टू वी और डी रूट थ्री वी। आने दीजिए आंसर। संवेग में परिवर्तन पूछा है, चलिए ठीक है, इसका द्रव्यमान भी ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना एम, इसका एम बराबर लिख लेना गेंद का द्रव्यमान है, मास ऑफ दी बॉल। लीनियर मोमेंटम पूछा है, एम से और मल्टीप्लाई कर लेंगे इनमें, संवेग जानते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। तो बताइएगा, हाँ उसमें पूछा है बेटा संवेग में परिवर्तन, तो द्रव्यमान संवेग बराबर होता है, आपको ध्यान होगा, द्रव्यमान इंटू वेग। तो P1 लिखना है पहले आपको, फिर P2 और फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन बी बी राजू खटाना जीरो बता रहे हैं, पंकज बी बी, मुकेश ए बता रहे हैं, अमन यादव सी बता रहा है। ये तुक्के नहीं मारे बेटा, ये इसके जो है बी के अलावा जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा तुक्का मारे हैं बेटा, अभी बताया था मैंने, देखिए दोबारा से फिर समझ लीजिए। कई मेथड से कर सकते हो आप, यहां तो अब डायरेक्शन भी नहीं पूछी थी, पी वन में आपसे पूछू पी वन कितना है तो आप कहोगे टू एम वी आई कैप ले लो, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ले लो एक्स एक्सिस में, और टकरा करके वापस जा रहा है तो ये आ जाएगा माइनस एम बी आई कैप। दोबारा से एम इसका मास है, बी वेलोसिटी है, एम वी आई कैप वापस गया माइनस एम बी आई कैप। आपको डेल्टा पी कैलकुलेट करना है तो पी टू माइनस पी वन, पी टू कितना माइनस एम बी आई कैप, माइनस एम बी आई कैप, दिस इज माइनस टू एम वी आई कैप। यदि डायरेक्शन पूछता कि बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इसकी डायरेक्शन बताते कि यदि ये मान लीजिए इधर दे देता, ये पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, तो संवेग में परिवर्तन में यहाँ लिख सकता था एलोंग ईस्ट एलोंग वेस्ट, तो आपको ध्यान रखना था ये पश्चिम दिशा में, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कितना आएगा टू एम वी। एक फॉर्मूला और है इक्वल वाले के लिए, टू पी साइन थीटा वाई टू, तो ये हो गया टू पी का मान कितना एम बी साइन, दोनों वेक्टर्स के बीच में पी वन तो इधर है पी टू इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है 180 का, तो ये हो जाएगा 90। ये इसका आंसर आएगा टू एम वी, कितना आंसर आएगा टू एम वी। क्लियर है तो बताओ जल्दी से, क्लियर है जल्दी बताएं बेटा। नवीन खटाना ए कैसे बता रहे थे, जीरो नहीं होगा बेटा, यही तो समझना है सब्ट्रैक्शन में, इसलिए हम जोर दे रहे हैं एम बी इधर एम बी इधर, ऐसे नहीं काटना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे नहीं विद डायरेक्शन के सब्ट्रैक्स करना होगा, विद डायरेक्शन के सब्ट्रैक्स करना होगा। इसलिए नवीन बेटा समझो बात को, डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए डायरेक्शन पूछी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं यदि डायरेक्शन पूछे तो, मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हो, यदि वो इस प्रकार से कह देता ये दीवार इस प्रकार से है, इधर वेस्ट है इधर नॉर्थ और इधर साउथ, यदि वो डायरेक्शन पूछेगा तो फिर आपको डायरेक्शन बतानी होगी, नहीं दे रखी है, नहीं दी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ, सभी के मोस्टली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी में लीनियर मोमेंटम में ध्यान रखने, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनके आंसर बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अब दोबारा से देखिए, ये फिर दोबारा से मैंने ली एक दीवार है ये, और ये परपेंडिकुलर है, उसी प्रकार से एक बॉल आकर के एम मास की वी वेलोसिटी से कोलाइड करती है, स्ट्राइक करती है, टकराती है, और टकराने के बाद रीवाउंड होती है सेम वेलोसिटी से और सेम एंगल से, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर लीनियर मोमेंटम ही लेते हैं, फिर दोबारा से लीनियर मोमेंटम। वेलोसिटी निकालोगे तो लीनियर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। संवेग में परिवर्तन का मान कितना होगा? ऑप्शन लिखता हूं मैं, जीरो। ऑप्शन बी 2mb sin थीटा। सी ऑप्शन है 2mb cos थीटा। और ऑप्शन डी है 2mv। बताइएगा, जल्दी से आंसर आने दें और सही करेंगे। प्रवीण चौधरी, सही करके बताओ बेटा, जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत है तो फटाफट बताते चलें। चेंज इन लीनियर मोमेंटम उसी प्रकार से करना है। कई मेथड है बेटा, किसी से भी कर सकते हो। सी बता रहे हैं 2mb cos थीटा। अब देखिए, जब अपन को पटाख से करना हो, जल्दी करना हो, क्विक, तो देखो इसको तो मानो P1, इसको सपोज करो P2। इसके कंपोनेंट्स कर लें। एक कंपोनेंट आएगा mb cos थीटा, क्योंकि ये थीटा की डायरेक्शन में है, और ये आ जाएगा दूसरा कंपोनेंट्स इसका, ये mb sin थीटा। ध्यान से समझना है। अब मैं इसके कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, तो इसका एक कंपोनेंट्स इसकी डायरेक्शन में mb sin थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है वो होता है कॉस, जिसके साथ नहीं होता है वो साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट्स mb cos थीटा। ये देखिए, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो प्लस हो जाते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से समझेंगे। देखिए, P1 क्या है, ये किस डायरेक्शन में है, देखो नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हो mb cos थीटा j कैप, और ये प्लस डायरेक्शन में है mb sin थीटा i कैप। और P2 को लिखेंगे लीनियर मोमेंटम, एक कंपोनेंट्स इसका ये है, दूसरा ये है, तो mb sin थीटा i कैप और प्लस mb cos थीटा j कैप। दोबारा से इसका मैंने कंपोनेंट्स लिखा mb sin थीटा है, आई कैप, देखो आई कैप है ये, और दूसरा इसका कंपोनेंट्स है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें माइनस लगाया है। अब इसको देखो mb sin थीटा एक्स एक्सिस में है, और इसको देखोगे वाई एक्सिस में जे। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा p = p2 - p1। p2 - p1 करोगे तो ये पूरा का पूरा लिखोगे, इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये इसको कैंसिल कर लेगा और आएगा आपका 2mb, ये इसने कैंसिल कर लिया, 2mb cos थीटा j कैप, 2mb cos थीटा j कैप। और यदि इसका मापांक निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो 2mb cos थीटा। क्लियर हो गया होगा मेरे विचार से, नहीं हुआ है तो बता सकते हो, कंपोनेंट से कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, जब भी अपन को सब्ट्रैक्ट करना है और दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, अपोजिट वाले प्लस हो जाते हैं। आपने देखा था अभी अपन ने किया था, उसमें क्वेश्चन अपोजिट थे इसलिए 2mb लिखा था, और ये देखो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन क्या होना है, कैंसिल आउट होना है, अपोजिट डायरेक्शन में है वो प्लस होना है। क्लियर है तो बताएं सभी, सभी ने आंसर सी लिख रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे विचार से। हाँ जी, वेरी गुड सुमित, बिल्कुल ओके, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, क्लियर है तो अब आगे अपन और बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ रहे हैं, और ले लेता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन और, थोड़ा सा इससे क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अपन प्लस माइनस दोनों का ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एकांक, ध्यान रखना है, 2 एकांक सदिशों का योग, एकांक सदिश के बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है, तो इन एकांक
सदिशों के अंतर का परिमाण होगा, अंतर का परिमाण पूछा है। इफ इफ टू इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, यहां लिख देते हैं इज यूनिट वेक्टर, देन डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी रूट टू, ऑप्शन सी रूट थ्री, ऑप्शन डी फोर। दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश के बराबर है, तो इन एकांक सदिशों के अंतर का परिमाण क्या होगा? मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इंटरटेनमेंट रूट थ्री बता रहे हैं, और बताइए, बच्चे हो, कितना है? सी, अच्छा ठीक, वेरी गुड, सी सी, शाबाश विक्रम, बिल्कुल वेरी गुड, बाहुबली, हाँ यस सर, विक्रम सैनी, वेरी गुड विक्रम, विक्रम के बहुत आंसर हैं, एक बस केवल एक ही दे करके, राकेश शर्मा सी सी, अभी सर अभी शर्मा बिल्कुल सही है, मुकेश वेरी गुड। तो मेरे विचार से करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे आपको, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो आपने ये किया है, जिनके नहीं समझ में आया है वो उनको थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं। कई एक बच्चे ऐसे हैं, देखो इनका दो यूनिट वेक्टर है, उनका सम यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, तो अपन को पता है एन कैप का स्क्वायर प्लस इसका मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, टू एन कैप एन टू कैप कॉस थीटा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी समझ लेंगे। ये वन है, ये कितना आ जाएगा, वन प्लस वन प्लस टू, मैग्नीट्यूड है इनके, तो एकांक सदिश है, एकांक सदिश कौन से होते हैं जिनका परिमाण कितना होता है, एक होता है, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा, स्क्वेयर करेंगे वन वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा, देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब अपन को इसका सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना था, तो सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना था, डिफरेंस लिख लेता हूं मैं, मुझे डिफरेंस निकालना है इसका मैग्नीट्यूड का, तो मुझे पता है इसका मापांक का स्क्वेयर प्लस इसका मापांक स्क्वेयर माइनस टू एन वन कैप एन टू कैप कॉस थीटा। अभी अपन ने लिखा था सब्ट्रैक्शन का और सम का, दोनों का अपन लिख चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसका डिफरेंस निकालना है अपन को, वो कह रहा है इसका मापांक बताओ, तो अपन बताएंगे मापांक इसका कितना आएगा, तो ये वन प्लस वन माइनस टू इंटू वन इंटू वन इंटू कॉस माइनस वन अपॉन टू, ये इससे कैंसिल हो गया, वन प्लस वन प्लस वन मीन्स रूट थ्री, बिल्कुल सही था आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वन का स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, उसमें स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये रूट थ्री में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना था अपन को, तो रूट थ्री के इक्वल है, ठीक। तो मेरे विचार से सब्ट्रैक्शन ये आपके क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं सब्ट्रैक्शन का, मुझे नहीं लग रहा है रिलेटिव वेलोसिटी आज हो पाएगी, और सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट करेंगे।
एक वस्तु, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर, क्षैतिज धरातल पर एक समान चाल से गति कर रही है तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। ऑप्शन मैं लिख रहा हूं नंबर एक डाल करके, जब यह अपना एक चौथाई चक्र पूर्ण करती है, एक चौथाई चक्र पूर्ण करती है। इंग्लिश मीडियम वाले हो, ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑन हॉरिजेंटल प्लेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द रिवॉल्यूशन इज हाफ ऑफ द बॉडी। ऑप्शन फर्स्ट, एक चौथाई में, वन फोर्थ में, सॉरी हाफ नहीं वन फोर्थ में। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2v, वी, सी है रूट 3v और डी है रूट 2v, एक चौथाई चक्र में। ध्यान से समझ लेना है, ये सर्किल हो गया और ये बॉडी एक रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये ए बी सी एंड डी, बाहुबली रूट 2v, और बताइएगा बाहुबली आंसर दे रहे हैं रूट 2v। आर यू सेटिस्फाइड विद बाहुबली? डी सेटिस्फाइड है। ए एस के शर्मा गलती मत करिए, तुक्का नहीं, विक्रम सैनी गलत है बेटा, इंटरटेनमेंट डी, आंसर डी आएगा। कितना चक्र पूर्ण कर रही है? वन फोर्थ, एक चौथाई में, ए टू बी, ए से बी तक चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन पूछी नहीं है तो एक फॉर्मूला याद रखा करो बेटा, कौन सा? डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा वाई 2। अब देखिए ये यहां पर है, दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया v, और चौथाई में देखेंगे v, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन 90/2, 90/2, 2v साइन 45, 1/√2v, √2v। और ये एंगल अपना लिखा हुआ है कि जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये आएगा, ठीक। अब अपन लेते हैं जब यह है अपना, ये क्लियर है सबके? हाँ प्रवीण चौधरी क्लियर होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे विचार से। अब देखिएगा मैं कह रहा हूं जब यह अपना अर्ध चक्र पूर्ण करती है, अब की बार ये अर्ध चक्र हाफ साइकिल पूर्ण करती है, इंग्लिश मीडियम वाले हो, व्हेन द बॉडी कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ इट्स मोशन, कहां से कहां तक? ए से सी तक। बोर्ड पर है आंसर, दीजिएगा फटाफट। हाफ साइकिल के लिए आ जाइए, अब हाफ साइकिल में चेंज इन वेलोसिटी, अमित ए स्मार्ट जांगिन गलत है बेटा, इरफान सर एंगल क्या आएगा इसके बीच में 90 डिग्री, 1/4 में बेटा, देखो ना ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये है एक सदिश तो इसको उठा लो और इसको उठा करके इसकी पूंछ पे ले लो और देख लो दोनों की पूंछ में, मैंने बताया था 90 डिग्री हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। वी और वी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वी के इक्वल है, ये भी वी के इक्वल है, ये रूट 2 भी आ जाएगा।
और उससे निकालो तो उससे निकाल सकते हो, क्यों इरफान? क्लियर है ना? अब इसमें आ जाओ, जब वह अपना अर्धचक्र पूर्ण करती है तो देखो एक वेक्टर तो ये है, ये तो इनिशियल है, और जब अर्धचक्र करती है तो इसके साथ जब लाओगे उसको तो इसकी पूंछ में पूंछ बढ़ा दोगे तो कितने का एंगल हो गया? 180 का हो गया। यहां लगाओ 180, ये कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 2v अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, सब्ट्रैक्स करेंगे तो जुड़ेंगे। क्लियर है ना? अब निकालना है आपको 3/4 में, जब यह अपना 3/4 चक्र पूर्ण करती है, 3/4 A2C, A2C में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में आंसर देना है इनमें से ही। क्रिस सही है बेटा तुम्हारा, दूसरा आंसर आने दो। जब ये, अब देखो ये और ये, तो अब आप देख लोगे कितना एंगल लेना है, इसके साथ लेना है, एंगल स्मॉल लिया जाता है, 90 आ जाएगा, 90 का फिर ऑप्शन डी। स्मार्ट जाएंगे अभी कहाँ हो, इस वाले थर्ड में आ जाओ। व्हेन द कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन A to C, ए से सी तक में भी नहीं आएगा। अरे यार, ए से सी तक एंगल नहीं देख सकते हो क्या? ए देखो क्या है, ये V1 हो गया, V2 कितना हो गया, ये दोनों के बीच में एंगल देखो, ये नहीं लेना अपन को। मैंने क्या बताया, स्मॉल एंगल लेना है, स्मॉल एंगल लेना है, तो फिर क्या लिखोगे? अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा? √2v। यस और नो? क्लियर है? अब ध्यान रखना है, अब आ रहे हैं अपन कंप्लीट साइकिल में, जब वह है अपना पूर्ण चक्र करती है, इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ए से गए, ए पर ही पहुंच गए, तो यह ध्यान रखना है आपको। अब इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्या आएगा? मैंने लिख दिया है उसमें ऑप्शन, एक 0 लिखा है, तुम मत मान लेना 0 आएगा, मत सोचो कि 0 लिख दिया सर ने इसलिए, अपन अब की बार बी कर देते हैं जल्दी फटाफट। बाहुली 0 लिख दिया। हाँ, और बताइएगा, और बताइए, देखिए जहां से गई वहीं सेम डायरेक्शन में हो गए दोनों वेक्टर। यार दोनों सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसको मार देगा, एक डायरेक्शन में होते हैं, और वैसे फॉर्मूला इसको लगाओगे तो 2v sin θ/2, 2v sin 0/2, 2v sin 0, sin 0 की वैल्यू 0। डायरेक्शन अपन निकालना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन पूछी जाती बेटा तो डायरेक्शन भी बता सकते थे। तो मेरे विचार से आपके सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाना चाहिए, विद डायरेक्शन के समझ में आना चाहिए। यदि यहां पर ये पूछ लेता, देखो थोड़ा सा डायरेक्शन पूछ लेता, ये कह देता ईस्ट, इधर कह देता वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तब फिर अपन उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते। कैसे कैलकुलेट करते? यूनिट वेक्टर के साथ कैलकुलेट कर सकते थे या ग्राफिकल मेथड से, जैसे पहले वाला था ए टू बी में अपन निकालते। अब यहां समझना है आपको, तो आप क्या करते, V1 तो लेते कैसे, ये देखो V1 है, इसके साथ जे कैप लगा देते, V2 लेते, तो ये देखो किस में आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस VI कैप, तो डेल्टा V इज इक्वल टू लिखते V2 माइनस V1, तो V2 की वैल्यू कितनी, माइनस VI कैप माइनस कितना, ये V2 की वैल्यू ये है और V1 की वैल्यू VJ कैप, ठीक है ना? तो इसकी V2 की वैल्यू अपन ने लिखी थी, V2 कितना है, माइनस में V1 था J में, तो माइनस J हो गया, और इसको लिया तो अपन ने ये डायरेक्शन होगी। अब अपन इसका डायरेक्शन देखते,
तो डायरेक्शन आपसे पूछता कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन माइनस आई माइनस जे, देखो ये प्लस आई है, ये प्लस जे है, ये माइनस आई है, ये माइनस जे है, तो इसकी डायरेक्शन किस में आती, वेस्ट साउथ वेस्ट में इसकी डायरेक्शन आती। तो ये डायरेक्शन आपको समझनी थी कि यदि डायरेक्शन के साथ है तो डायरेक्शन के साथ भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना। वन थर्ड वाला फिर से बताएं। अच्छा ठीक है, एसके सर दोबारा से देखें, वन थर्ड वाला, वन थर्ड वाला नहीं था, थ्री फोर्थ वाला, देखो ये एक चौथाई, फिर आधा, फिर तीन चौथाई, तो इसकी आप पूछना चाहते हो मेरे विचार से कि इसमें इसका क्या होगा, ठीक है। तो कौन सा पूछना चाह रहे हैं, सेम एज बिफोर फर्स्ट, हाँ तो वो फर्स्ट की तरह ये बता रहा है, देखो रवि सही कह रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना है V1 क्या है, तो V1 मेरा ये है, देखो ये तो V1 इज इक्वल टू किसके है, वी के। और फिर देखो वन थर्ड में जब आ रहे हैं तो अपन यहां पर हैं, तो ये वेलोसिटी ये है, तो ये वेलोसिटी यहां है, तो इसको इस डायरेक्शन में ले लो, V2 इज इक्वल टू V है, ठीक है ना। अब अपन को डायरेक्शन से कैलकुलेट करना है तब तो अपन ये बता सकते हैं, एक तो फॉर्मूले में लगाना है, अब मुझे फॉर्मूले में लगाना है तब तो मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2V साइन थीटा वाई 2, तो ये आ जाएगा √2V। अब यहीं पर यदि डायरेक्शन के साथ पूछ ले कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना था, ये मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी, V2 तो मुझे एज इट रखना था और इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी थी, दिस इज द माइनस V1। अब मैं इसका रिजल्टेंट लेता तो देखो ये परिणामी इसका ये आता, तो इसकी जो डायरेक्शन अपन कैलकुलेट करते तो ये इसका रिजल्टेंट इसमें आता, V2 तो प्लस में और ये माइनस में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपन इसकी डायरेक्शन लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो समझ में आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आपके समझ में है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी अपन आसानी से कर सकते हैं। कल अपन रिलेटिव मोशन का अध्ययन करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप, और लाइक करते रहिए, सबको बताइए, थैंक यू, ओके।